हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। कल भी आपने मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद किया, तो आज मैं अपने बारे में और आज मैं आपको अपनी हैबिट्स के बारे में बताऊंगी और मैं क्या क्या करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ का हर पल। तो वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं डेली डेली तो नहीं कह सकती, लेकिन एक हफ्ते में 3-4 बार तो मैं वॉक कर ही लेती हूँ। 30 मिनट की वॉक करती हूँ, उसके बाद योगा और साथ में एरोबिक्स 10 मिनट की। मतलब अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। मेरा पूरा स्टाफ है, तो मैं आज सभी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं मेरा। तो हिसार में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर मुझे ये ब्लॉग्स लाने हैं। आपको मैं बताऊंगी, मैं फूडी हूँ, घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। ऐसी जगहों पे भी घुमाऊंगी मैं आपको, टूर करवाऊंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी कोशिश के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखो, कोई पैसा तो नहीं लगना ना, कमेंट भी फ्री है, लाइक भी फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री है। तो प्लीज़ मुझे करिए और मेरा साथ दीजिए। हिसार में नंबर 1 पर मैंने अपना जो है ब्लॉग्स को लाना है, बिंदास परवीन मलिक। देखिए, अब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो देखिए आप, इतना अच्छा माहौल है। मतलब जैसे मुझे कल वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है, जैसे कल की तो जो मैं अपनी फ्रेंड के घर घूमने गई थी बहुत अच्छी फीलिंग थी, लेकिन मतलब वही बात है, ऐसा माहौल तो हम नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर में पूरे पेड़ पौधे लगाऊं। तो वही बात है, मैं सुबह जब योगा करती हूं तो मैं ऊपर छत पर आ जाती हूं। आज मैं आपको अपना होम टूर भी करवाती हूं कि भी मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखना कितना अच्छा माहौल है। बल्कि बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हम लोग सोचते रहते हैं ना, रजाई में बैठे रहते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि भी हाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। एक बार आप बाहर आकर देखिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि भी एक्चुअल में लाइफ होती क्या है। ये देखिए, जाने के लिए संतोष ने कर दिया है मेरे लिए गर्म पानी। संतोष, तू भी हाय हेलो कर दे, बोल दे हाय हेलो। ऑफिस में जाने के लिए। तो संतोष ने मेरे लिए कर दिया है गर्म पानी। संतोष भी अब आपको ब्लॉग में डेली दिखेगी। ये देखो, संतोष भी आपको हाय हेलो कर रही हाय है। हेलो। संतोष ने कर दिया है मेरे लिए पानी अब गर्म। तो डेली मैं सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो देखिए, गर्म पानी तो पीना ही चाहिए। पूरा दिन हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या करते हैं, पीते हैं, सो भी है मतलब। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ होम टूर, और साथ में मेरी आज बहुत ही फनी वीडियोस आएंगी, तो आप उस पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में लाना है बिंदास परवीन मलिक व्लॉग्स। हेलो गाइस, अब मैं घर आ चुकी हूँ। कुछ रील्स हमने आज 14 सेक्टर में बनाई हैं। आज मेरी फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे घर पर मिलने आई हैं, और स्पेशल डिमांड हो रही है कॉफ़ी की, क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो आइए, मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ। देखिए, सभी फ्रेंड्स हैं मेरी, हाय हेलो कर दो। हेलो। और बताना, स्मार्ट स्मार्ट लेडीज आई हैं आज मिलने मुझे। चलिए आइए, आज मैं आपको कॉफ़ी बनाना सिखाती हूँ। कॉफ़ी तो आपने बहुत पी होगी, लेकिन ऐसी कॉफ़ी कभी नहीं पी होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें कॉफी ले ली है, जितनी क्वांटिटी आपको लग रहा है, कोई आया हुआ है ज्यादा लेनी है, कम लेनी है, थोड़ा इस पे फोकस कर लेना आप। और उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी, क्योंकि हम 10-12 जने हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसमें शुगर डाल दी मैंने, थोड़ी सी आप इसमें भी डाल दो। ठीक है, तो अब देखिए, हमने ये ले लिया दोनों, कॉफी और चीनी। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ठीक है, हल्का सा पानी। ठीक है, अब देखिए आप, अब कुछ लोग क्या होता है कि ना, बार बार उसको चम्मच से करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन विद इन 2 मिनट में मैं आपको बहुत बढ़िया कॉफी बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये चलाना है 1 सेकंड और बंद करना है, चलाना है बंद करना है, ऑन ऑफ रहना है मतलब। देखिए, 1 सेकंड में इसका क्या कलर आ गया। संतोष, लाइट्स ऑन करते हो थोड़ा सा। हाँ
देखिए अब दिखाइए, देखिए आपको झाग नजर आ रही होगी, आ रही है ना कैमरे में? हाँ देखो क्लियर दिखाना आप, ठीक है। अब इसको 1-2 सेकंड हम और चलाएंगे ना, तो देखना बहुत बढ़िया कॉफी रेडी हो जाएगी। वैसे जैसे ही गर्मी आएंगी तो हम इसमें थोड़ी सी आइस डाल देते हैं। देखिए अब इसमें कितना बढ़िया टेक्सचर आ गया है कॉफी का, हल्का सा, अगर आपको लगे हल्का सा और पानी डाल सकते हैं, हम हल्का सा। इसको दोबारा चलाएंगे, चलाएंगे और बंद करेंगे, ये ध्यान रखना है, आपने चलाना है और बंद करना है। ये देखिए, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप लोगों ने ऐसी कभी कॉफी बनाई है या नहीं बनाई है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, दूध उबाल लिया उसके अंदर कॉफी डाल दी, दैट्स इट, बन गई। या फिर वो गिलास ले लेते हैं चम्मच से, बाइट करते रहते हैं ऐसे इस तरह से, तो वो ऐसे नहीं होता, ठीक है। कट कर दो 2 मिनट। देखिए हमने अब कॉफी तो बना ली है, अब हमने देखो ये कप में दूध दूध गर्म करके ना हमने कप के अंदर डाल लिया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हम जो हमने कॉफी तैयार करी है ना, अब हम ये कॉफी डालेंगे। देखिए अगर आपने ऐसी कॉफी पीनी है ना, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप भी आइए, इनवाइटेड हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। देखिए आप एक बार कॉफी जरूर दिखाना कि किस किस ने ये कॉफी पी है। यही कॉफी अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे ना पीने, तो बहुत पैसे ले लेते हैं, कम से कम 150-250 तक। और आप ये इजीली 2 मिनट के अंदर अंदर आप ये कॉफी बना सकते हो। देखिए और जब आप पियेंगे ना, तो आप फिर देखना क्या टेस्ट आएगा। एज इट इज आप कोल्ड कॉफी भी बना सकते हो। देखिए कॉफी है तैयार, सबसे पहली कॉफी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन्होंने मेरे को बहुत दिल से सब्सक्राइब किया है, तो सबसे पहले कॉफी आपके लिए है। और संतोष से भी मिल लो गाइस। घर में लेडीज को बहुत काम होते हैं, ऑफिस वर्क भी मैं करके आई हूँ आज। वैसे ही मेरी स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन वही बात है, लेडीज का काम जो है सैटरडे संडे बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं सोच रही थी अब कपड़े धोए हैं तो इसको तैर लगा लूँ। और दूसरा आज मैं आपको अपने रूम का दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। धीरे धीरे मैं आपको होम टूर भी करवाऊंगी। अब पूरा घर तो मैं एक ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा बेडरूम है। वैसे मेरा जो ऊपर है, मैं अभी आपको ऊपर भी लेके चल रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से लाइट्स लगवाई हैं, ये आप देखिए, मुझे येलो, वैसे मेरे को पिंक कलर पसंद था जो साइड में लाइट लगी हुई है, लेकिन बेटे को पसंद है येलो तो उसने येलो लगवा दिया, बट मेरा मन था कि भी आप। और ये देखिए, ये मैंने अभी LED लिया है 54 इंची, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा शौक है टीवी देखने का, मतलब LED। और दूसरा आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा सर्कल में है जो LED पैनल है ना, वैसे आपने अधिकतर घरों में देखा होगा कि वो चौरस आता है, स्क्वेयर में आता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी चॉइस अलग है, तो मैंने इसको सर्कल में बनवा दिया। जैसे ये ड्रॉर भी दे दी मैंने साथ में, मतलब इसमें कुछ अगर आप सामान भी रख सकते हो, जो भी है आपका मेकअप का, जो भी आप लगाते हो। तो और मैं अब अपना आपको ऊपर लेके चलती हूँ। कट कर दिया ना? हाँ जी गाइस, मैं अब आपको ऊपर लेकर आ गई हूँ जहाँ पर मैं योगा वगैरह करती हूँ। ये स्पेशल जो स्पेस है ना, ये मैंने योगा के लिए बना रखा है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे गमले पड़े हुए, थोड़ी देर के लिए मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप व्यू देखिए, व्यू देखिए आप, सामने ही पार्क है और सामने ही मेरा स्कूल है। बहुत जल्दी ही मैं आपको स्कूल का भी टूर करवाऊंगी, फिलहाल मैं आज को अपने पोर्शन का करवा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेड था शादी वाला, जो दहेज में मिलता है। तो मैंने इसको ना, मतलब मेरी शादी को हो गए हैं लगभग काफी साल हो गए हैं, तो ना ये काफी पुराना हो चुका था, लेकिन मैंने इसको नया बेडअप दे दिया। मतलब कोई इसको देखकर ये नहीं कह सकता कि ये पुराना बेड है। देखिए वहां से शुरू होकर यहाँ तक ये बेड है, मतलब इसको पुराने से मैंने बिल्कुल नया बना दिया। कोई नहीं कह सकता कि भाई ये पुराना बेड है। देखिए, और ये मेरा बेटा है, आप सभी जानते होंगे
यज्ञ मलिक, इसरो साइंटिस्ट, पूरे हरियाणा में यज्ञ मलिक का नाम हुआ है। मैं यज्ञ मलिक की मदर बोल रही हूँ। तो आप जैसे ही फोटो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यज्ञ कौन है और मैं कौन हूँ। आप यज्ञ मलिक के नाम पे सर्च करें, इसरो साइंटिस्ट। चंद्रयान जो अभी हुआ था लैंड, तो उसे मेरे बेटे ने भी बहुत बढ़िया काम किया था, पूरे हरियाणा में नाम हुआ था। तो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और ये मेरा वॉशरूम है। अभी थोड़ा सेटअप चल रहा है, तो मैंने जो ना मतलब इस बार इस तरह से वॉश बेसिन बनवाए हैं। पहले तो वो दूसरे चले हुए थे स्मॉल वाले, लेकिन मैंने ये बनवाया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन दिखा रही हूँ आज मैं आपको। यहाँ पर मतलब ये सोफा सेट हो गया। हाँ जी, ये मतलब ये जो आप एक बार ये दिखाइए, ये जो ऊपर मैं ये झूमर लगा हुआ है ना, आप इसकी क्वालिटी देखेंगे। आप इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करें तो इसमें सॉन्ग भी चलेंगे, भजन भी चलेंगे। भी शाम के टाइम लेडीज जो होता है ना फ्री हो जाती हैं, तो अपना भजन चला लो, अपना मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है उस चीज़ को। ये मेरी किचन है, मास्टर किचन, लेकिन अभी सेटअप रह रहा है, अभी वर्क चल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा नया घर बना है। तो ये देखिए, ये भी मेरा बेडरूम है। ये बेड देखिए, अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ से बेड ये मैंने दिल्ली से लिया है। दिल्ली से मैं पूरा जो भी मेरा सामान है मैं लेकर आई हूँ। अगर किसी भाई या बहन को यूँ लगता है ना कि यहाँ हिसार, क्योंकि हिसार में तो 1-1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं बेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि ये बेड कितने का है। मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि एक्चुअल में ये बेड कितने का है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, हिसार में ऐसा डिजाइन नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए साथ में इसकी ये भी चेयर्स भी दी हुई हैं, साथ में ड्रॉर्स भी हैं इसमें। मतलब अभी तो ये फुल पैक है, मैंने ओपन नहीं किया। तो मतलब अगर आपको भी ऐसा बेड लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है, बहुत हैवी बेड है। मतलब हिसार में मैंने पूरा हिसार, जब मैंने ये घर बनाया था ना, मैं पूरे हिसार में घूमी थी कि मुझे बेड चाहिए, सोफा चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि मुझे नहीं मिला कुछ भी, काफी कॉस्ट, अगर मिला भी है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो आप ये देखिए, इस सोफा सेट को भी देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, अभी तो क्लीनिंग चलेगी। देखिए इस तरह से सोफा पूरा, मैंने 11 सीटर सोफे लिए हैं, 3 सेट लिए हैं मैंने। तो मतलब इसकी कॉस्ट थी ना जो मतलब हिसार में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तो स्टार्ट होती है मतलब। तो मैं अभी आपको सोफा सेट भी दिखाऊंगी नीचे, वो कल वाले क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए जो हम घर लेडीज मतलब हम जैसे कपड़े वॉश करते हैं, अपने डेली रूटीन में वॉश करते हैं, तो हम तार लगाती हैं। तो मतलब मैंने उस चीज को कवर करने के लिए मैंने ये कर दिया। देखिए ये स्टील की मोटी डंडी है, कपड़े गिरते भी नहीं है, मतलब इजीली आप इसको डाल दो आराम से, मतलब कंफर्ट फील करोगे, मतलब आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी। मतलब ये मेरा ब्लॉग आज मैंने स्पेशल घर के लिए ही बनाया है। देखिए ये मेरा पास, ये है मास्टर बाथरूम। ये देखिए पूरा एक बार आप दिखा दो व्यू। ये टाइल्स देखिए, देखिए इससे कंट्रास्ट मैंने ये कर रखा है। अगर किसी भाई या बहन को मतलब कुछ भी चाहिए, मतलब मेरे घर पर टूर करना है, आप आना चाहते हो, घर नया बना रहे हो, हाँ साथ में ये भी देखो मैंने वॉश बेसिन कैसा लगवाया हुआ है यहाँ पर, साथ में मिरर हो गए। यहाँ पर जो कहते हैं ना बाथ टब आएगा, नीचे एक बार दिखा दो, यहाँ पर ना जैसे ये सब यहाँ पर बाथ टब आएगा, लेकिन अभी आने में टाइम नहीं लगवाऊंगी। ये मेरे छोटे बेटे का रूम है, मेरे बेटे अभी मैरिड नहीं है, अनमैरिड है दोनों, तो मैंने अलग अलग बना दिया, उनके लिए सेटअप कर दिया। तो ये मेरा छोटा बेटा है, अभी इसने फिलहाल बीटेक किया है चंडीगढ़ से, तो अभी और स्टडी कर रहा है बेटा आगे। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे मतलब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू।